हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमारा जो आज का जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के दोस्तों इससे पहले भी हमने वीडियो भेजी थी, बहुत सारे वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं और आगे भी हम बीच बीच में दिल्ली पुलिस का हमारा वीडियो जाता रहेगा, क्योंकि अब हमारा जो वर्क चल रहा है, काम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, लेकिन दिल्ली पुलिस भी हम बीच बीच में लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास दिल्ली पुलिस है। तो दोस्तों एक बार फिर ज़रूर आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हाँ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। तो हमने इसका चार आसन लिया था, चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं या दीप्त पिंड कहा जाता है। तो आंसर दोस्तों दीप्त पिंड जा रहा है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल होती है। तो टर्मिनल क्या होती है, निगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है दोस्तों? यहाँ हमारा आंसर जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होती है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है, के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो विषाणु से होता है, अगर हम चेचक की हम बात करते हैं तो ये भी वायरस से होता है, बेरियोला नामक वायरस से चेचक होता है। लेकिन ये जो आंत जो आर होता है ये दूषित जल पीने से होता है, तो हमारा आंसर जाएगा आंत जो आर, ठीक है भाई, ये वायरस से नहीं होता। इसके बाद दोस्तों कहता है एक इमारत की जीवों में समान है, एक इमारत मतलब शरीर से लिया गया है, तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा क्या, चार ऑप्शन लिया, कोशिका, ऊतक, अंग या ग्रंथि, तो हमारा आंसर दोस्तों कोशिका जाएगा, ठीक। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने से प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन हमने बच्चों यहाँ भी दिया दोस्तों कि अम्ल होता है, क्षार होता है, सूचक होता है या लिटमस, यहाँ हमारा आंसर क्षार जाएगा, ठीक। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ होता है जो चढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कहता जंग बोला जाता है, नमक, मिट्टी या धूल, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जंग कहा जाता है, ठीक। अब हम आते हैं सुलुलोज, सुलुलोज का एक बहुलक है फ्रक्टोज, ग्लाइकोज, ग्लूकोज या सुक्रोज, तो दोस्तों यहाँ हमारा जाएगा आंसर ग्लूकोज जाएगा, ठीक। धुएं और कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत को क्या कहा जाता है? तो मोटी कोहरे की परत होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो कहता है धुंध कहा जाता है, धुंध, स्लांग, एरोसेल या सस्पेंशन, तो धुंध कहा जाता है, आंसर हमारा एक जाएगा धुंध। अब हम आते हैं, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड होता है, तो संख्या पिरामिड क्या होता है भाई? कहता है सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है या आंशिक रूप से उल्टा या तर्क होता है, तो सीधा होगा आंसर, ठीक।
पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, दोस्तों पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस, तो आंसू गैस का था कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या सल्फाइड। तो दोस्तों ये हमारा आंसर क्या जाएगा, अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, तो अमोनिया हमारा आंसर जाएगा भाई। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, हाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन कब, कहाँ और कितने की थी, तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड या बर्मा। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर जाएगा वह आंसर जाएगा कहाँ, सिंगापुर में, कितने की थी, 1943 में, सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों, चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तुम्हारा आंसर सिंगापुर। ठीक, अब हम आ जाते हैं शारदा अधिनियम। तो दोस्तों बाल विवाह पर 3 अधिनियम पास किया गया था 1872 में, एक मैरिज एक्ट पास किया गया 1872 को, सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है, जिसमें विवाह की उम्र सीमा 14 और 18 कर दी गई। 91 में संपत्ति आयु अधिनियम पास किया गया, जिसमें विवाह की उम्र सीमा ये आपके घटा करके 12 और 16 कर दी गई। और इसके बाद 1929 में शारदा एक्ट पास किया गया, लेकिन लागू किया गया 30 में, और इसमें विवाह की उम्र सीमा फिर बढ़ा करके 14 और 18 कर दी गई, और भारतीय शासन अधिनियम के तहत 21 और 18 की गई, मैंने लड़कों की 21, लड़कियों के लिए 18, और 1922 में दोनों की उम्र सीमा सेम कर दी गई, यानी 21-21, तो आज 21 ही चल रहा है। तो जो हमारा शारदा अधिनियम है दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है। ठीक, इसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को कब और कहाँ बनाया गया, 1917 कहाँ बनाया गया, कोलकाता में बनाया गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा। ठीक है, अगर हम भारतीय महिला अध्यक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो 1925 कानपुर परेड अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया, लेकिन अगर हम विश्व की पहली महिला की बात करते हैं तो एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में, वादी का अर्थ क्या होता, तो वादी का अर्थ होता है मुकदमा करने वाला, तो मुकदमा करने वाला ये वादी का अर्थ होता है दोस्तों, तो पहले दूसरा हमारा आंसर सही। इसके बाद हम आते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बनाई थी, तो देखिए हर्षवर्धन जो थे ये आपके पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के शासक थे, इनका कार्यकाल है 646-647, और हर्षवर्धन के समय में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग आए थे। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, और बाद में कहाँ लाई गई दोस्तों, तो इनकी बाद में लाई, कन्नौज लाई गई, तो बाद में कन्नौज लाई गई, तो आंसर हमारा कन्नौज जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई क्या मानी गई दोस्तों, तो हमने चार ऑप्शन लिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय तेल निगम, तेल प्राकृतिक गैस निगम और रेलवे। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है भारतीय रेलवे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे यहाँ आंसर जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट, तो हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है, चार ऑप्शन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या रोम, तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों लंदन, तो लंदन में है हीथ्रो एयरपोर्ट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, फीफा कप का संबंध किससे है, तो दोस्तों फीफा कप का संबंध फुटबॉल जाएगा, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, अब हम आ जाते हैं गीता रहस्य के लेखक, अभी हमने
पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों, तो चार आसन हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, आचार्य सॉरी बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है भाई, तो मानव शरीर की तो सबसे छोटी ग्रंथि जो पाई गई है या हमें पंक्रियाज, तो पंक्रियाज होनी चाहिए भाई, पेनियल ग्रंथि होनी चाहिए, पेनियल ग्रंथि, तो सबसे छोटी दोस्तों पेनियल ग्रंथि जाएगा, तो पेनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, तो आंसर हमारा पहला सही जा रहा है पेनियल ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों हमारा आज का क्लास ये समाप्त होता है, और फिर एक बार हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों यारों को भी भेजिए, उनसे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग करोगे तो हम आप लोगों के साथ हमेशा अच्छे अच्छे मैटर लेके जुड़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं मंजिल जरूर जला देंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने क्लास को ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और फिर एक बार हम कहना चाहेंगे 3 से 4 हमारा लाइव क्लास है यूट्यूब पर जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं भाई। तो चलिए अपने वीडियो को ही समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।